राधे कृष्ण दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव जी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण का स्वभाव जान गया उसे भजन छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे प्रभु श्री कृष्ण बहुत करुणामयी है, वो कभी किसी भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते। इसलिए मित्रों, भगवत जनों को इस एक बात पे पक्का भरोसा कर लेना चाहिए, अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता भगवत प्राप्ति से। इस जन्म में हमें निश्चित निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति होगी, मतलब होगी। इस तरह ठाकुर जी की कृपा बरसेगी और जो भक्तजन इस बात पे विश्वास कर लिया उसे भगवत स्वरूप होना ही होना है 100%, क्योंकि प्रभु योग के विश्वास को नहीं तोड़ सकते। इसलिए एक बात दिमाग में बैठा के चले कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति होनी ही होनी है 100%, इस बात पे भरोसा कर लो, फिर अंत में आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित निश्चित रूप से हो करके रहेगी। जिसने ये विश्वास हृदय में बैठा लिया, फिर 101% उसको श्री जी की प्राप्ति होती है। ये विश्वास कर लेना ही स्वयं अपने आप में ही भगवत स्वरूप है। ये विश्वास जिसके हृदय में आ गया, समझ लो उसे उसी वक्त प्रभु की प्राप्ति हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं मित्रों, ये शिव पुराण में स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं। अब इसमें भक्तों का चिंतन तो चलता ही रहता है, उसी चिंतन से ये भाव उत्पन्न होंगे। रसिक महापुरुषों की वाणियां ये हमारे विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप चाहे जैसे भी हो मित्रों, लोग तो आप में त्रुटियां निकालेंगे ही निकालेंगे, ये उनका काम है, और कहेंगे तुम्हें बदलने की आवश्यकता है। पर जो प्रभु की चरणों में है उसमें कोई त्रुटियां रह जाती है क्या भला? केवल इसी बात को आपको समझना है और अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं देना है। जो श्री जी की शरण में है उसमें कितनी भी त्रुटियां हो, वो प्रभु का हो जाता है। फिर उसका एक विश्वास ही उसे भगवत स्वरूप बना सकता है। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि इस बार भगवताकार होना निश्चित है। फिर इसी विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए महापुरुषों की वाणी सुनिए, यानी सत्संग सुनिए, साथ में चिंतन चलते रहने दीजिए, निरंतर राधा नाम चलते रहने दीजिए। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक दिन श्री जी को प्राप्त कर ही लोगे। बस बताए हुए विश्वास को दिमाग में दृढ़ दृढ़ बैठा लो, फिर सब प्रभु पे छोड़ दो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।